नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9, जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, कौन से? सबसे पहला टॉपिक है इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी में फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करना चाहिए, मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अबाउट फाइनेंस फॉर द फ्यूचर। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है किस चीज़ की? प्लानिंग अबाउट फाइनेंस फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर में अगर कभी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए पहले ही प्लानिंग करके रखना, क्योंकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस कंडीशन में हम उसको स्मूथली हैंडल कर सके। इसके लिए फाइनेंस जो है वो प्लान करना चाहिए प्रॉपरली। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ न्यू कम्युनिटी फार्मेसी इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेडिसिन स्टॉक एंड कवर द एक्सपेंसेस। तो फाइनेंसिंग किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? टू सेट अप अ न्यू कम्युनिटी फार्मेसी। तो जैसे फार्मेसी ओपन करनी है तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेडिसिन स्टॉक एंड कवर द एक्सपेंसेस, और साथ में जो मेडिसिन का स्टॉक होता है कम्युनिटी फार्मेसी में, उसको मेंटेन करने के लिए और जो भी एक्सपेंसेस है उनको कवर करने के लिए फाइनेंसिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर्पज़ ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस का पर्पज़ क्या है ये हम देखेंगे। टू परचेस लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। लैंड परचेस करने के लिए, ताकि हम हमारी कम्युनिटी फार्मेसी वहाँ पर ओपन कर सके। बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में ओपन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में बिल्डिंग की ज़रूरत है, उसको परचेस करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वो फार्मेसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको परचेस करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट है टू परचेस रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल। तो फार्मेसी में जो भी रॉ मटेरियल है और अदर मटेरियल्स हैं, अदर इक्विपमेंट्स हैं, उनको परचेस करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। टू पे सैलरीज, अगर फार्मेसी में स्टाफ है, अनदर स्टाफ है, तो उनको सैलरी पे करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। टू मेंटेन स्टॉक एंड सप्लाई मेडिसिन, फार्मेसी में स्टॉक मेंटेन करने के लिए और मेडिसिन सप्लाई करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए फाइनेंसिंग प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसको मैनेज करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस के सोर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है ओन फाइनेंस। तो ओन फाइनेंस मतलब क्या होता है? जनरेटेड बाय ओनर, पार्टनर और शेयर होल्डर्स। ये जो ओन फाइनेंस है ये किसके थ्रू जनरेट किया रहता है? ओनर के थ्रू, या फिर जो भी पार्टनर है उसके थ्रू जनरेट किया रहता है, या फिर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके थ्रू जो फाइनेंस लिया रहता है उसको हम बोलते हैं ओन फाइनेंस। देन नेक्स्ट है लोन फाइनेंस। लोन फाइनेंस मतलब क्या होता है? द कैपिटल इज जनरेटेड फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो लोन फाइनेंस है, इसमें क्या होता है, जो भी कैपिटल जनरेट की रहती है, जो भी पैसे रहते हैं, वो बैंक से लिए रहते हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लिए हुए रहते हैं। तो ऐसे फाइनेंस को हम बोलते हैं लोन फाइनेंस। तो इस तरीके से दो टाइप के सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ फंड एंड देयर इफिशियंट यूटिलाइजेशन फॉर मीटिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है? ये एक प्लानिंग होता है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। क्या? फ्लो ऑफ फंड, जो भी फंड है उसका फ्लो जो है वो प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना। देयर इफिशियंट यूटिलाइजेशन फॉर मीटिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स हैं वो प्रॉपरली कंप्लीट होने चाहिए। इसके लिए इफिशियंट यूटिलाइजेशन करना, जो भी फंड है उसका इफिशियंट यूटिलाइजेशन करना, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जनरली रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जनरली किससे रिलेट किया जाता है, जो भी प्रोक्योरमेंट होता है मतलब जो भी परचेसिंग की प्रोसेस होती है उससे, और जो कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं इससे ये रिलेटेड होता है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये इससे रिलेटेड होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ चीज़ें इंश्योर करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स। तो रेगुलर सप्लाई फंड का रेगुलर सप्लाई हो रहा है ये चीज़ इंश्योर करता है, ताकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस कंडीशन में हमें कोई प्रॉब्लम ऑकर ना हो, जो भी कंडीशन है वो हम स्मूथली सॉल्व कर सकें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो जो भी फंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कर सकें। इन्वेस्टिंग इन सेफ एरियाज, तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एरिया में हम कर सकते हैं। प्लानिंग अ गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को प्लान कर सकते हैं अगर कैपिटल हमारे पास प्रेजेंट हो। इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है। अगर हमारे पास जो भी फाइनेंस है वो प्रॉपरली मैनेज की हुई है, तो उस कंडीशन में आगे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी में जो भी अकाउंटेंसी है इसके बारे में देखेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अकाउंटिंग ये एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग किसका, मनी का, ट्रांजेक्शन का और इवेंट्स का। जो भी मनी है या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए या फिर जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है अकाउंटिंग में, विच आर इन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को, इवेंट्स को समराइज किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट होते हैं, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर में इंक्लूड होते हैं। ऐसे इवेंट्स का, ऐसे ट्रांजेक्शन का, ऐसे मनी का समराइजेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है और साथ में जो भी रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, देखा जाता है कि हमें लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अकाउंटिंग में होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस है वो हम चेक कर सकते हैं, चेक प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। रिड्यूस एंड डिटेक्ट फ्रॉड, तो फ्रॉड को हम कम कर सकते हैं और अगर कोई फ्रॉड हुआ भी है तो उसको जल्दी से डिटेक्ट भी कर सकते हैं। टू मेंटेन इविडेंस, तो इविडेंस मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए भी अकाउंटिंग जो है वो ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये बेनिफिट्स होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में अकाउंटेंसी के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डे बुक। ये डे बुक मतलब क्या होता है, जो अकाउंटेंसी होती है कम्युनिटी फार्मेसी में तो उसमें डे बुक और कैश बुक का यूज़ किया जाता है, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ये डे बुक मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, ये किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले डे बुक के बारे में देखेंगे। इन लार्ज फीम्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर टाइप। तो जो लार्ज फीम्स होते हैं मतलब बिग फार्मेसीज हो गए, बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक दिन में, सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डे बुक्स का यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में देखेंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन द फीम मेंटेन स्पेशल जर्नल्स फॉर दिस पर्पस नोन एज डे बुक। तो ये जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए, ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इनका प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने के लिए स्पेशल जर्नल्स जो है वो मेंटेन करते हैं, इन्हीं को डे बुक कहा जाता है। तो इस तरीके से ये डे बुक्स होते हैं। द नेक्स्ट हम देखेंगे फॉलोइंग डे बुक्स आर कॉमनली यूज। तो कुछ डे बुक्स के टाइप्स भी होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो कॉमनली यूज होने वाले जो डे बुक्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है परचेस जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेस रिटर्न जर्नल,
सेल्स रिटर्न जर्नल। तो इस तरीके से कॉमनली यूज किए जाने वाले डे बुक्स होते हैं, इनके बारे में वन बाय वन देखेंगे। परचेस जर्नल मतलब क्या होता है, सेल्स जर्नल मतलब क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है परचेस जर्नल, तो इसके बारे में देखेंगे। द परचेस जर्नल ऑल्सो नोन एज इनवॉइस बुक इज यूज टू कीप क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो परचेस जर्नल में क्या होता है, इनको इनवॉइस बुक्स भी कहा जाता है, और ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुए हैं मतलब जो क्रेडिट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं उनको परचेस जर्नल में इंक्लूड किया जाता है। देन नेक्स्ट है सेल्स जर्नल, तो इसमें क्या होता है, द सेल्स जर्नल ऑल्सो नोन एज डे बुक एंड इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग द सेल्स ऑफ गुड ऑन क्रेडिट। तो सेल्स जर्नल में क्या होता है, इनको डे बुक भी कहा जाता है, जो सेल्स जर्नल होते हैं उनको डे बुक कहा जाता है। और ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो भी गुड्स जो है वो सेल हुए हैं, जो भी मटेरियल जो भी प्रोडक्ट सेल हुआ है उनका रिकॉर्ड करने के लिए इस सेल्स जर्नल का यूज़ किया जाता है। और जो कि क्रेडिट से जो है वो सेल हुए हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का जो भी रिकॉर्ड है वो सेल्स जर्नल में किया जाता है। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न जर्नल, तो परचेस रिटर्न जर्नल मतलब क्या होता है, द परचेस रिटर्न जर्नल इज यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स दैट वेयर परचेस ऑन क्रेडिट। तो ये परचेस रिटर्न जर्नल में क्या होता है, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे रिकॉर्ड रखने के लिए जो भी गुड्स है जो भी प्रोडक्ट है वो रिटर्न हुआ है, जो कि परचेस ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट के थ्रू जो है वो परचेस किया गया था और फिर परचेस करने के बाद उन्होंने वापस रिटर्न किया है, उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया है, तो उस कंडीशन में उसका जो रिकॉर्ड है वो परचेस रिटर्न जर्नल में रखा जाता है। तो वो जो परचेस है वो किस पे हुआ था, क्रेडिट पे हुआ था। तो इस तरीके से ये परचेस रिटर्न जर्नल हो गया। देन नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न जर्नल, तो इसके बारे में देखेंगे। द सेल्स रिटर्न जर्नल इज यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द रिटर्न ऑफ गुड्स दैट वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए जो कि रिटर्न किया गया है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि रिटर्न किया गया है, जो कि सोल्ड किया गया था क्रेडिट से कस्टमर को क्रेडिट के थ्रू जो है वो सोल्ड किया गया था, पर उन्होंने जो गुड्स है जो भी प्रोडक्ट है वो रिटर्न किया है, तो उस कंडीशन में जो भी सोल्ड किया गया प्रोडक्ट है उसके रिटर्न करने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको कहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा जाता है, सेल्स रिटर्न जर्नल में। तो इस तरीके से ये सेल्स रिटर्न जर्नल्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ डे बुक। तो डे बुक का यहाँ पर हम फॉर्मेट देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का ये फॉर्मेट है डे बुक का। यहाँ पर डेट दिया गया है, इनवॉइस नंबर जो भी इनवॉइस नंबर होता है वो, नेम ऑफ सप्लायर जो भी सप्लायर है उसका नाम, LF मतलब लेजर फोलियो होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है, अमाउंट इन रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट लिखी जाती है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट हो गया डे बुक का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कैश बुक के बारे में। हमने अभी डे बुक के बारे में देखा जहाँ पर क्रेडिट के थ्रू जो भी परचेस या फिर सेल होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम कैश बुक के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अ कैश बुक इज अ बुक दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। तो कैश बुक जो है ये एक ऐसी बुक होती है जो कि रिकॉर्ड करती है सारे ट्रांजेक्शंस को, जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करती है इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट। तो जो भी कैश की रिसिप्ट होती है वो भी, और जो भी पेमेंट्स होते हैं कैश के थ्रू उनको जो है वो सारे ट्रांजेक्शंस जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कैश बुक होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलमनार कैश बुक, थ्री कॉलमनार कैश बुक एंड पीटी कैश बुक। इस तरीके से फोर टाइप्स होते हैं कैश बुक के। तो इन कैश बुक के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब क्या होता है, अ सिंगल कॉलम कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज सिंपल कैश बुक एंड हैज ओनली वन कॉलम ऑफ अकाउंट। तो सिंगल कॉलम कैश बुक को सिंपल कैश बुक भी कहा जाता है और इसमें अकाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होता है। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पर हमें फॉर्मेट दिया गया है सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल कॉलम है डेबिट और क्रेडिट का, सिंगल कॉलम यहाँ पर हमें दिया गया है। यहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, फिर यहाँ से डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। तो इस तरीके से ये हो गया
सिंगल कॉलम, ये हो गया डेबिट का, ये हो गया क्रेडिट का। तो इस तरीके से ये सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, ये इसका फॉर्मेट हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टू कॉलमनार कैश बुक। तो टू कॉलमनार कैश बुक किस तरीके से होती है, डिस्काउंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें डिस्काउंट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। टू कॉलमनार कैश बुक इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट दैट बिजनेसमैन रिसीव्स। तो टू कॉलम कैश बुक में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं जिसमें डिस्काउंट दिया गया हो। तो जो भी बिजनेसमैन होता है जो कि कैश डिस्काउंट रिसीव करता है, तो उनके जो रिकॉर्ड है वो टू कॉलमनार कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये टू कॉलमनार कैश बुक होते हैं जहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, फॉलोइंग टू कॉलम्स आर प्रोवाइडेड इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक। तो ये जो कैश बुक होती है, टू कॉलमनार कैश बुक होती है, इसमें दो कॉलम्स जो है वो प्रोवाइड किए रहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है द फर्स्ट कॉलम इज फॉर डिस्काउंट विच इज़ नॉमिनेटेड अकाउंट। तो जो पहला कॉलम होता है वो डिस्काउंट के लिए होता है जो कि नॉमिनेटेड अकाउंट होता है। द सेकेंड कॉलम इज फॉर कैश विच इज़ रियल अकाउंट। तो सेकेंड जो कॉलम होता है वो कैश के लिए होता है और वो रियल अकाउंट होता है। फॉर्मेट ऑफ टू कॉलमनार कैश बुक, यहाँ पर हमें फॉर्मेट दिया गया है टू कॉलमनार कैश बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो, ये जो है ये डिस्काउंट का कॉलम। जो पहला कॉलम होता है वो डिस्काउंट का होता है, दूसरा कॉलम जो होता है वो कैश का होता है। यहाँ पर हमने देखा द फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर डिस्काउंट, सेकेंड कॉलम इज़ फॉर कैश। तो उसी तरीके से है, ये हो गई डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट ये डिस्काउंट का है, ये कैश का है, ये हो गया डेबिट वाला, और क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट एंड कैश। तो इस तरीके से ये टू कॉलमनार कैश बुक होती है। द नेक्स्ट हम देखेंगे थ्री कॉलमनार कैश बुक के बारे में, इसमें क्या आता है। द थ्री कॉलमनार कैश बुक इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ कैश बुक। थ्री कॉलमनार कैश बुक ये एक पॉपुलर फॉर्म है कैश बुक का। इन दिस टाइप ऑफ बुक फॉलोइंग थ्री कॉलम्स आर प्रोवाइडेड। तो इस टाइप के बुक में तीन कॉलम्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है। द फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर डिस्काउंट विच इज़ नॉमिनेटेड अकाउंट। तो जो पहला कॉलम होता है वो डिस्काउंट के लिए होता है जो कि नॉमिनेटेड अकाउंट होता है। द सेकेंड कॉलम इज़ फॉर कैश विच इज़ रियल अकाउंट। सेकेंड कॉलम जो होता है वो कैश के लिए होता है जो कि रियल अकाउंट होता है। द थर्ड कॉलम इज़ फॉर बैंक विच इज़ पर्सनल अकाउंट। जो थर्ड कॉलम होता है वो बैंक का होता है जो कि पर्सनल अकाउंट होता है। तो इस तरीके से ये तीन कॉलम्स होते हैं थ्री कॉलमनार कैश बुक में। तो इसके बारे में देखेंगे फॉर्मेट ऑफ थ्री कॉलमनार कैश बुक। यहाँ पर हमें फॉर्मेट दिया गया है थ्री कॉलमनार कैश बुक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक। तो टू कॉलमनार जिस तरीके से था सेम है, बस यहाँ पर बैंक ये एक ऐड हो गया, और क्रेडिट में भी सेम डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक। तो इस तरीके से ये थ्री कॉलमनार कैश बुक होती है। देन नेक्स्ट है पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश पेमेंट ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस। तो ये पीटी कैश बुक जो है वो स्मॉल ट्रांजेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत स्मॉल स्मॉल जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उसके लिए पीटी कैश बुक का यूज़ किया जाता है। स्मॉलर डिनोमिनेशन के जो भी पेमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए पीटी कैश बुक जो है वो यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से ये कैश बुक होते हैं। हमने यहाँ पर डे बुक्स के बारे में देखा, कैश बुक के बारे में भी देखा। तो इस तरीके से ये डे बुक और कैश बुक होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।